हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे स्क्रू नॉमेनक्लेचर ऑफ एक्सट्रूडर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्क्रू के नॉमेनक्लेचर से पहले सबसे पहले हमें ये जान लें कि एक्सट्रूजन क्या होती है। ठीक है, तो एक्सट्रूजन जानने के लिए सबसे पहले हमें ये देखें कि ये पूरी जो सेटअप मशीन आप देख रहे होंगे, ये पूरी सेटअप ही एक्सट्रूजन होती है। ठीक है, ये पूरी सेटअप को एक्सट्रूजन बोलते हैं। एक्सट्रूजन में सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले हमें ये जान लें कि नॉमेनक्लेचर इसका क्या होता है। ये आपका हॉपर होता है। ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा जो देख रहे हैं हॉपर होता है, और ये जो ब्लू पट्टी जो दिख रही है इसमें आप ये देख सकते हैं बैरल होती है, और ये ब्लैक ब्लैक के जगह जगह पे ये हैं, ये हीटर होते हैं, और इसमें कूलिंग जोन भी होती है। और ये होती है जो ग्रीन ग्रीन सी पट्टी इसमें दिख रही है, यही होती है स्क्रू। इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसकी बाकी ये नॉमेनक्लेचर के बारे में इसकी, और ये कैसे दिखती है स्क्रू, ये आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ठीक है, और ये होती है नोजल जहाँ से मटेरियल आगे बढ़ता है, और ये होती है डाई, यहाँ पे डाई होती है, और इसी मटेरियल यहीं से निकलता है, और यहीं इसी डाई के शेप का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो अब हम इनका फंक्शन देख लेते हैं, क्या वर्क होती है। ये होती है हॉपर। हॉपर में सबसे पहले क्या होता है, मटेरियल को फीड करते हैं, यहीं पर मटेरियल कलेक्ट होती है, फिर उसके बाद यहाँ से हॉपर से मटेरियल पास होती है, और ये यहाँ पे आती है, इस पूरी एरिया को फीड जोन कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे मटेरियल हॉपर से फीड होती है यहाँ पे, और इस स्क्रू का जो ये आप हिस्सा देख रहे हैं, इसी के थ्रू स्क्रू ऐसे रोटेट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं रोटेशन का साइन है, तो ये रोटेट होता रहता है, तो ये क्या होता है कि ये ऐसे मटेरियल पास होती रहती है, इसके थ्रू ऐसे ऐसे पास होती रहती है, और यहाँ से आगे बढ़ जाती है। ठीक है, और यहाँ डाई के थ्रू मटेरियल निकल जाती है, और डाई इसीलिए लगाई जाती है कि जिस शेप का प्रोडक्ट चाहिए उसी शेप का डाई यहाँ पे लगाते हैं, और उसी टाइप उसी शेप का प्रोडक्ट निकलता है। तो बाकी ये हीटर का जो वर्क होता है, इसको बैरल को हीट करने के लिए, ताकि ये मटेरियल इजिली मेल्ट हो जाए अंदर। ठीक है, और यहाँ इजिली बाहर निकल जाए। बाकी बैरल तो है ही, बैरल मटेरियल को बाहर नहीं निकलने देता है, और बैरल अंदर उसमें उसी में स्क्रू रोटेट होता है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल पैनल होता है जिसमें स्क्रू रोटेट होता है। ठीक है, आई थिंक ये पूरे एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होती है आप इसके शॉर्ट में समझ गए होंगे कि बेसिकली एक्सट्रूजन क्या होती है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं स्क्रू के नॉमेनक्लेचर के बारे में, जो एक्सट्रूजन के अंदर यूज होती है। आप देख सकते हैं इस तरह के स्क्रू होता है। ठीक है, और इसमें ये जो मैंने दिखाया था वो जो ग्रीन पट्टी है यही थी। ये देख सकते हैं कि ये जो दोनों पट्टी के बीच की जो डिस्टेंस होती है पिच होती है, और यहाँ जो इनर जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो होती है विड्थ होती है, और ये होती है चैनल डेप्थ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होती है, हेलिक्स होती है, हेलिक्स एंगल, जितना एंगल में ये होगी, ये जो फ्लाइट है इसको फ्लाइट बोलते हैं, लाइट जितने एंगल में होगी, और ये परपेंडिकुलर जो एंगल बनाएगी वो होती है हेलिक्स एंगल। ठीक है, और ये होती है, इस हिस्से को लैंड बोलते हैं, इसको जो ये फ्लाइट होती है इसको लैंड लैंड बोलते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने बताया था ना ये फ्लाइट होती है, फ्लाइट बोलते हैं, और फ्लाइट की इस हिस्से को लैंड बोलते हैं। और ये डायंड होती है यहाँ पे, और ये रूट डायमीटर होती है इसकी, जितना दूर में ये स्क्रू है, ये आउटर डायमीटर होती है, जो स्क्रू का डायमीटर होती है। ठीक है, पूरे स्क्रू का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर होता है आउटर डायमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो होती है वो डायमीटर होती है। फिर आगे हम देखते हैं क्या होता है, और ये पूरी है नॉमेनक्लेचर जो साइन है होता है पीछे का, जो कि मैंने बताया चैनल चैनल होता है, चैनल होता है, लैंड होता है जो उसमें हेलिक्स एंगल होती है। ठीक है, और डी स्क्रू डायमीटर पूरा फ्लाइट को लेकर ऊपर से नीचे तक, और आर डी का मतलब रूट डायमीटर होती है, जैसा कि मैंने उसमें दिखाया था, मतलब चैनल डेप्थ होती है। ठीक है, बाकी अगर कुछ ना समझ में आओ प्लीज कमेंट करके मेरे से पूछें, ताकि मैं और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, बाकी और किसी चीज़ की वीडियो आपको चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक की वीडियो बना सकूं। ठीक,
कि अगर आपको कुछ भी इसमें समझ में आया हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर करें सब्सक्राइब।